आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जीरो राइट right. अब इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम किसी भी फॉर्म का क्या होता है एक डायनामिक प्रॉपर्टी होता है एक डायनामिक प्रॉपर्टी होता है मतलब जो दो अगर हमारे पास एक अगर हमारे पास दो स्टेट्स रहे ए और बी देन और अगर ये दोनों स्टेट एट इक्विलिब्रियम है देन दोनों तरफ अगर रेट K1 वन एंड के है देन इक्विलिब्रियम में K1 वन इज ऑलवेज इक्वल टू के मतलब दोनों तरफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन गिवन यूनिट टाइम सेम होता है राइट right? मतलब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए से बी बनता है उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बी से ए बनता है ठीक है इसी को हम इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है जहां पे एक सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है देन, इन दिस केस, ये जो हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस होगा ये होगा ये होगा डिसोल्यूशन और हमारा जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा मतलब ये ये होगा क्रिस्टलाइजेशन मतलब हमारे जो k1 और k2 हमने एग्जाम्पल में लिया था वो है रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और जैसे k1 इक्वल टू k2 है वैसे so है, ही रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी क्लास 6 से 12 तक नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउटने डाउट डाउटनेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर